सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइनकॉइन गेमिंग। तो आज मैं आपके सामने आ गया हूँ माइनक्राफ्ट के एक और नई वीडियो लेके। तो भाई आज मैं खेल रहा हूँ स्काई ब्लॉक प्लैनेट। जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैं स्काई ब्लॉक प्लैनेट खेल रहा हूँ। तो भाई बहुत दिनों से स्काई ब्लॉक प्लैनेट की कोई वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने सोचा आज स्काई ब्लॉक प्लैनेट की एक वीडियो डाल दी जाए। तो भाई पहले तो बाहर रात हो रही है, तो पहले मैं सो लेता हूँ ताकि नाइट स्किप हो जाए ना भाई। चलो तो आज मेरे पास बहुत सारे काम है करने को, लाइक आज मैं डायमंड के प्लैनेट पे जाऊंगा, ऑब्सीडियन के प्लैनेट पे जाऊंगा और एन्चेंटमेंट टेबल बनाऊंगा और साथ ही में नेदर पोर्टल भी बनाऊंगा। तो भाई इतने सारे काम है हमारे पास, तीन काम है। तो पहले तो मैं कॉबलस्टोन निकाल लेता हूँ, जो कि मैंने निकाले थे कॉबलस्टोन जनरेटर से। तो भाई कॉबलस्टोन तो चाहिए ना रास्ता बनाने के लिए, और मुझे चाहिए टॉर्च। अरे टॉर्च कहाँ गई यार, ये रही, हाँ टॉर्च। तो हमें टॉर्च चाहिए ना, क्योंकि जो वहाँ पे हम प्लेनेट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे होता है स्पॉनर। तो भाई अगर हम वहाँ पे गए तो कुछ ना कुछ स्पॉन होगा, तो इसलिए स्पॉनर पे टॉर्च लगाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे स्पॉनर होगा तो उस पर टॉर्च लगाऊंगा मैं। तो भाई चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे वो प्लेनेट। ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। तो आप ये देख रहे हैं ना, ऊपर देख रहे हैं ना, ये यहाँ से एक नीचे को रास्ता गया है डायरोड के प्लेनेट तक, जो कि हमने पिछली वीडियो में ही कर दिया था। और इसके बाद मैंने ये ऑफलाइन कर दिया था थोड़ा सा, बस ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये काम मैंने ऑफलाइन कर दिया था, तो यहाँ तक जाना था बस मुझे। तो पहुँच गया यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ डायमंड का प्लेनेट है कहाँ। पहले यहाँ पे ये एक ब्लॉक लगा लेता हूँ, और इस वाले प्लेनेट पे स्पॉनर अंदर है। तो क्योंकि इस जो प्लेनेट है ना जिस पे मैं हूँ इस टाइम, उसमें अंदर पानी है। तो यहाँ पे मैंने आया था, मैं यहाँ पे दो ब्लॉक लगा दिए थे मैंने। चलो अब चलता हूँ, सामने ही है, देखो आप देख सकते होंगे। तो थोड़ा नीचे है, यहाँ से मैं कूद जाऊँगा, फिर नीचे से सीढ़ियाँ बनाऊँगा। तो पहले तो यहाँ पे स्पॉनर है, उस पर टॉर्च लगाऊँगा। तो जल्दी चलता हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। अब तो मज़े यार, डायमंड मिल जाएंगे, तब मैं आयरन के वो आयरन का यूज़ कम ही करूँगा, ज़्यादा तो डायमंड का ही करूँगा। पर बाकी तो मैं थोड़े से ही डायमंड निकालूँगा, सारे नहीं निकालूँगा यार, बाकी मैं फॉर्चून 3 के लिए रखूँगा। तो क्योंकि आज एन्चेंटमेंट टेबल भी मिल जाएगा ना, तो मैं एक्सपी फार्म भी बनाऊँगा अगली वीडियो में, क्योंकि एक्सपी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अब मुझे, क्योंकि एन्चेंटमेंट टेबल तो बना दिया मैंने। और मैं वो भी बनाऊँगा शुगर केन 0 टिक फार्म, जो कि मैंने आपने वन ब्लॉक में भी बनाया है, ताकि मुझे शुगर केन मिलता रहे और आसानी से बुक्स बना सकूँ। क्योंकि लेदर तो है मेरे पास काफ़ी सारे, क्योंकि स्पॉनर तो है ऊपर, तो उससे स्पॉन होते रहते, मैं मारते रहता हूँ। लेदर की कमी नहीं है मेरे पास, बस कमी है तो शुगर केन की, तो उसकी कमी को भी पूरा कर दूँगा। और यहाँ से अब सीढ़ियाँ बनाता हुआ चलूँगा ऊपर के लिए। तो यहाँ पे ऐसे, और एक ब्लॉक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बस ऐसे ऐसे करके ऊपर तक जाऊंगा। देखो पहुंच ही गया, बस थोड़ा सा, चलो बस डायमंड तो मिल गए हैं हमें। अब सीढ़ियाँ बना लूँ पहले मैं, ताकि कुछ भी स्पॉन हो ना तो मुझे जाने में आसानी हो यहाँ से, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता मैं मरूँ, क्योंकि आप मेरा एक्सपी देख सकते हैं 24 है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा एक्सपी 24 चला जाए। तो वैसे हाफ एक्सपी तो मिल जाएगा, 12 एक्सपी तो मिल ही जाता है वैसे, बट 12 से काम नहीं चलेगा ना, तो हमें पूरा ही चाहिए। तो उसके लिए तो वैसे आप कीप इन्वेंट्री रख सकते हैं, और क्विक रिस्पॉन, ये दोनों अच्छे रहते हैं, पर ये चीट ही माने गए एक हिसाब से, तो चीटिंग हम यूज़ नहीं करेंगे। तो चलो मैं डायमंड निकाल लेता हूँ, सारे डायमंड नहीं निकालूंगा भाई, जितने की ज़रूरत है उतने निकालूंगा। मुझे चाहिए टोटली एक 3 पिकैक्स बनाने के लिए, 2 एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए, वैसे 5 चाहिए, पर थोड़े से ज़्यादा भी निकाल लूँगा, ताकि मैं थोड़ा सा आर्मर भी बना लूँ, पर सारा आर्मर तो अभी बना नहीं पाऊँगा, तो थोड़े से ही निकालूँगा। चलो 14 निकाल लिए, इतने काफ़ी होंगे। तो भाई 14 काफ़ी होंगे आई थिंक, ज़्यादा नहीं निकालूंगा, बाकी रखूँगा मैं फॉर्चून 3 के लिए। चलो हो गए 15, तो बस 15 काफ़ी है, फॉर्चून 3 के लिए चाहिए ना बाकी। तो चलो भाई आराम से, गिरना नहीं चाहिए मैं। तो भाई अब तो ऑब्सीडियन के प्लेनेट पे भी जाऊंगा। तो चलो भाई पहले डायमंड तो मिल गए, चलो वही बड़ी बात है। अरे यार ये आ गई, चलो ये तो गिर गई, चलो हो गया इसका तो काम तमाम। तो भाई अब और जाऊंगा मैं ऑब्सीडियन के प्लेनेट पे।
तो मैं आपको बताता हूँ ऑब्सीडियन का प्लेनेट है कहाँ पे। पहले तो मुझे अपने मेन आइलैंड मतलब प्लेनेट पे जाना होगा, जहाँ पे मतलब हम स्पॉन होते हैं ना, मेन प्लेनेट पे। तब मैं आपको वहाँ से बताऊँगा कि ऑब्सीडियन का प्लेनेट कहाँ पे है। तो पहुँच के ना, अब आप देख सकते हैं ये पीछे ही है। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, पीछे ही है बस। तो पहले मैं एक काम करूँगा ना, पहले मैं पिकेक्स बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो डायमंड तो है मेरे पास, तो पहले पिकेक्स और चलो ऊपर। तो वुड तो होनी चाहिए यार मेरे पास, नहीं तो सीन हो जाएगा ना भाई, होनी चाहिए। चलो देखता हूँ। तो भाई साहब देख लेता हूँ मैं जल्दी से, मिल जाए अगर। देखता हूँ जल्दी 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 यार, होना चाहिए। हाँ है, वुड है, वुड प्लैंक है मेरे पास। तो एक ही पिकेक्स तो बनानी है, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा अभी। मैंने वैसे ट्री भी लगाए हैं बाहर ओक के, चलो उन्हें भी कर लूँगा मैं, मतलब निकाल लूँगा बाद में। तो एक स्वॉर्ड भी बन जाएगी और एक पिकेक्स भी बन जाएगी। चलो स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ और ये भी बन जाएगा चेस्ट प्लेट यार। हाँ बन गया ना, चेस्ट प्लेट भी बन गया, बस और कुछ नहीं बन सकता। चेस्ट प्लेट बना और ये दो डायमंड बच गए भाई। चलो ठीक हुआ, दो डायमंड बच गए, क्योंकि जो वो होता है ना एन्चेंटमेंट टेबल, उसके लिए तो डायमंड चाहिए दो, तो मैं भूल गया था, वरना मैं इन्हें भी यूज़ कर लेता। चलो बच गए दो, वही काफ़ी है, अभी यहीं पे रखूँगा। अरे भाई ये कहाँ से आ गए यार, ये कहाँ से आ गए यार, दो दो भाई, मारता हूँ इन्हें। एक तो गया, दूसरा, चलो दूसरा भी गया भाई। पता नहीं कैसे यार इतनी सारी तो टॉर्च लगाई है, बाहर से आए होंगे आई थिंक। तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्सचर पैक भी थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि वो मैंने ये टेक्सचर पैक मैंने डाउनलोड किया है मार्केट प्लेस से। अरे सॉरी ये आ गया। तो ये टेक्सचर पैक मैंने डाउनलोड किया है मार्केट प्लेस से, ये टेक्सचर पैक खुद माइनक्राफ्ट वालों ने बनाया है, वही टेक्सचर पैक मैंने डाउनलोड किया है। ये मतलब खुद मोजोंग कंपनी ने बनाया है, वही मैंने डाउनलोड किया था मार्केट प्लेस से। तो आप बोलोगे कि मार्केट प्लेस पे तो मनी लगती है, तो भाई उसमें कुछ चीज़ें फ्री भी होती हैं। तो भाई आप सामने ही हैं ऑब्सीडियन का प्लेनेट, अब मैं वहाँ पे जाना शुरू करता हूँ। अरे यार ये नीचे लग रहा है ब्लॉक, तो अभी तो एक ब्लॉक का ही बनाऊँगा ब्रिज को, बाद में चार ब्लॉक का करूँगा, दो ब्लॉक पे साइड में लगाऊँगा वॉल और दो ब्लॉक जाने के लिए। अच्छा है तब, ये देखो सामने ही ऑब्सीडियन का प्लेनेट, बिल्कुल ब्लैक है, दूर से ब्लैक ही दिखता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि रेंडर नहीं हो रहा है, पर असलियत में ये ऑब्सीडियन का प्लेनेट है। तो नीचे देखो एंड स्टोन का भी है, तो चलो भाई इस पे तो अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो पहले ऑब्सीडियन पे चलेंगे। चलो पहुंच गए भाई, अब पहले एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आसानी हो ना भाई, एक प्लेटफॉर्म ताकि मैं गिरूँ ना नीचे ऑब्सीडियन निकालते टाइम, ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। चलो बन गया। तो भाई अब मैं ऑब्सीडियन निकालना शुरू करता हूँ। चलो चार ऑब्सीडियन चाहिए ना हमें, तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ ऑब्सीडियन को। चलो 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 निकल जा, एक निकला, चलो बढ़िया। तो जल्दी निकल जा यार जल्दी, चलो एक तो निकल गया भाई, चार चाहिए ना अभी, वैसे तो टोटली 14 चाहिए, पर अभी चार ही लेंगे। चलो यार टॉर्च भी लगा दी, तब भी कुछ दिख नहीं रहा है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, आपको ब्राइटनेस उठानी पड़ेगी तभी दिखेगा, वैसे आई थिंक नहीं दिखेगा। चलो भाई अभी कितने हुए, दो हुए हैं। चलो जल्दी 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 भाई, हमें चाहिए टोटली चार। तो भाई हो नहीं रहा है अभी, हो जा जल्दी। चलो हो गए, तीन हो गए भाई, तीन, चौथा करता हूँ अब जल्दी यार। तो भाई चौथा निकाल लेता हूँ जल्दी से, तो आई थिंक हो गए चार। चलो भाई चलते हैं अब वापस। तो भाई चार हो गए ना, इतने काफ़ी होंगे अभी के लिए। चलो तो चलो चलो भाई आराम से। तो भाई चलो चलो, अब तो हमें एन्चरमेंट टेबल बनाना है सीधे जाके, और उसके बाद नेदर पोर्टल भी बनाऊंगा, पर उसके लिए ऑब्सीडियन लाने जाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी यार जल्दी, चलो चलो बस हो गया ना। और क्या चाहिए यार एन्चरमेंट टेबल बनाने के लिए, हाँ बुक चाहिए यार, और बुक के लिए मेरे पास पेपर नहीं है, और पेपर के लिए मुझे जाना पड़ेगा शुगर केन लाने। यार मैंने गलती कर दी, मैं पहले भी ला सकता था। अरे भाई यहाँ पे तो स्केल्टन है। चलो भाई आराम से निकलता हूँ यहाँ से, मरना नहीं चाहिए यार, नीचे गिर सकता हूँ मैं, वैसे भी वन ब्लॉक का ये ब्रिज।
चलो भाई बस पहुंच गया, तो अब मुझे निकालना है शुगर केन यहाँ से, और यहाँ से बस निकाल लिया, तो एक ही बुक तो चाहिए अभी। चलो हो गया, इतना काफ़ी होगा, मुझे एक ही बुक चाहिए। तो दौड़ के जाऊँगा ताकि इसका एरो ना लगे मुझे। चलो भाई बच गया, चलो जल्दी अब बुक बनाने चलता हूँ ताकि जल्दी से मैं कर सकूँ ना भाई अपना एन्चेंटमेंट टेबल बना देता हूँ जल्दी से भाई। चलो हो गया, अब क्या चाहिए? अब चाहिए डायमंड। तो डायमंड तो है मेरे पास भाई, दो डायमंड होंगे, होंगे क्या यार, मैंने यहीं पे छोड़े थे। चलो एक पहले लेदर ले लेता हूँ ना, क्योंकि बुक भी बनानी होगी। चलो आगे डायमंड। चलो भाई ये बन गई हमारी बुक, पहले पेपर फिर बुक और अब एन्चेंटमेंट टेबल। तो भाई बन गया हमारा एन्चेंटमेंट टेबल फाइनली। तो भाई मज़े आ गए, अब तो एन्चेंटमेंट टेबल भी बन गया। तो चलो अब कहाँ पे लगाऊँ ये सोच रहा हूँ, कहाँ पे ठीक रहेगा यार, यहाँ पे लगा दूँ? नहीं यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा, यहीं पे लगाता हूँ तब, यहीं पे लगाता हूँ यार। चलो पर पहले थोड़ी कैलकुलेशन की, एक ब्लॉक छोड़ के लगाना पड़ता है ना, दो ब्लॉक, क्योंकि एक ब्लॉक में आएगी हमारे वो बुक शेल्फ्स और एक ब्लॉक का स्पेस ऐसे छोड़ना पड़ता है। चलो बन गया भाई। तो चलो, और आई थिंक बाहर रात हो रही है, तो भाई हमें सोना भी होगा ताकि स्किप हो जाए नाइट। तो चलो पहले सो लेता हूँ, एन्चेंटमेंट टेबल तो बन गया हमारा, तो मैं सोने चलता हूँ जल्दी से। तो भाई जल्दी चल पड़। तो चलो भाई सो लेता हूँ पहले जल्दी से। तो भाई मैं सो गया हूँ, अब तो नाइट स्किप हो जाएगी जल्दी ही। चलो हो गई। तो अब जाना है मुझे ऑब्सीडियन लाने 10 और, क्योंकि हमें नेदर पोर्टल भी तो बनाना है ना भाई। तो चलो भाई ऑब्सीडियन लाने चलता हूँ जल्दी से। तो मैं चलता हूँ जल्दी से ऑब्सीडियन के प्लैनेट पे भाई। भाई ये ज़ॉम्बीज की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार, कहाँ है यार ज़ॉम्बी? अच्छा ये रहा भाई, चलो मर गया। चलो भाई एक हिट का तो था रहा हुआ, क्योंकि धूप में था ना, तो भाई आधा तो जल गया ये। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, अब ऑब्सीडियन के प्लैनेट पे जाना है ना। तो यहाँ पे स्केलेटन भी है भाई, आराम से जाऊँगा। अरे भाई बच गया भाई, गिरने वाला था अभी तो भाई, बाल बचाऊँ। तो भाई चलो छोड़ो भाई, बच गया ना वही बड़ी बात है, वैसे मेरे पास कुछ खास सामान था नहीं। तो भाई मैं वीडियो को स्किप कर लूँगा। तो भाई मैंने वीडियो को स्किप कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग काम था 10 ऑब्सीडियन निकालना, तो मैंने स्किप किया। और यहाँ पे टॉर्च भी लगा लेता हूँ जो थी मेरे पास। चलो भाई अब चलता हूँ मैं वापस, अब मुझे नेदर पोर्टल बनाना है जल्दी जाके, ताकि मैं वैसे वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हमें यहाँ मिल रहा है। तो भाई जल्दी से चलता हूँ, मुझे नेदर पोर्टल बनाना है जल्दी जाके, पर कोई ज़रूरत नहीं। हाँ पर वो तो ढूंढना पड़ेगा नेदर फोर्ट्रेस, क्योंकि इसमें हमें वो तो नहीं मिलेगा ना ब्लेज, तो आई थिंक कहीं पे हो सकता है ब्लेज का स्पॉनर, पर ये मुझे पता नहीं है कहाँ पे है। तो भाई जाना तो पड़ेगा नेदर में, नेदर फोर्ट्रेस के लिए। तो भाई मैंने बकेट लिया है, इसमें मैं लूँगा लावा और इसमें मैं मिल्क ले लूँगा पहले की, ताकि ये जो मेरे साइड में आ रहा है ना वो क्या बोलते हैं यार पिलेजर का वो मार्क, यार मुझे नहीं पता क्या बोलते इसको, वो हट जाए ताकि। चलो मिल्क पी लिया ना, हो गया। अब चलता हूँ मैं जल्दी से, इग्नाइट करने के लिए लावा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ग्रेवल वाला प्लैनेट तो मुझे मिला नहीं है। तो मैं थोड़ी सी वुड निकाल लूँगा जिससे मैं प्लैंक बनाऊँगा, ताकि मैं इग्नाइट कर सकूँ ना भाई, क्योंकि इग्नाइट करना बहुत ही टफ होता है पोर्टल को। वैसे मैंने एक आइडिया सीखा था, पर वो तो लावा से ही होगा, पर वो सबसे आसान आइडिया था। बाकी दूसरे आइडिया में तो हमें ये करना पड़ता है कि प्लैंक रखने पड़ते हैं, फिर उन्हें जलाना पड़ता है थोड़ा लावा से, जिससे मतलब 100% इग्नाइट होने के चांस नहीं होते, मतलब टाइम लगता है उसमें। मेरे पास दूसरा प्लान भी है, पर वो कभी कभी वर्क करता है, पर चलो भाई हम जैसे मर्जी कर लेंगे, पर कर लेंगे जल्दी से। तो एक ऑब्सीडियन यहाँ और दूसरा यहाँ, चलो दो यहाँ पे लगेंगे, हो गए। अब तीसरा लगाऊंगा मैं यहीं से भाई, यहीं से लगाऊंगा, लग जाएगा ना? हाँ लग गया। चलो यहाँ पे भी ऐसे करूँगा, चलो थोड़े नीचे करूँगा क्रॉस एयर, अभी भी थोड़े नीचे करना पड़ेगा बस। हाँ अब ठीक है, चलो। और भाई अब तो यहाँ से नहीं लगेगा, अब तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। चलो यहाँ से चलता हूँ, पहले एक काम करता हूँ ना, बकेट में निकाल लेता हूँ लावा को। चलो हो गया, और अब लगाता हूँ मैं यहाँ पे एक कॉबलस्टोन लगाता हूँ। चलो हो गया भाई, अब यहाँ पे अरे ये गलत लग गया, चलो कोई ना, हम यहाँ से भी लगा सकते हैं ना। देखो ये लगा, ये पहला और ये दूसरा, चलो लग गया ना भाई।
तो अब आती है इग्नाइट करने की बारी, जो कि बहुत ही टफ काम है, पर हम तब भी कर लेंगे इग्नाइट को। तो इग्नाइट करने के लिए यहाँ पे एक एरिया बनाऊंगा जिसमें मैं लावा को बहाऊंगा, जिससे हमारे प्लैंक में लगेगी आग। तो यहाँ पे पहले मैं प्लैंक बना लेता हूँ ना भाई। चलो बन गए प्लैंक 16। चलो और एक प्लैंक यहाँ, एक चलो लग गई आग, पर क्या ये वर्क करेगा तो भाई देखता हूँ। अरे भाई मैं कोई दूसरा आइडिया सोच रहा हूँ यार, जो ये देखो ये वाला आइडिया सोच रहा हूँ मैं। इसमें आग नहीं पहुँचती पर तब भी पता नहीं इग्नाइट हो जाता है, ये मैंने देखा था कहीं पे। पर ये मेरे स्काई ब्लॉक में तो काम किया था, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं। तो आई थिंक मुझे वो दूसरा वाला आइडिया ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही वाला आइडिया है मेरे पास, इसमें आग लगानी होगी प्लैंक में। तो भाई एक काम करता हूँ, यहाँ से डालता हूँ लावा, अब लग गई भाई, अब तो हो जाए इग्नाइट, अब हो जाना चाहिए आई थिंक। अरे इग्नाइट हो जा भाई, और साथ में मेरा घर भी है यार, और वो भी लकड़ी का। अगर ज़रा की भी अगर आग लग गई ना तो मैं कंट्रोल कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि आग बहुत जल्दी फैलती है यार, और मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा उसे। चलो एक और बार ट्राई करता हूँ इस आइडिया को भाई, हो जा भाई। चलो ऐसे नहीं होगा यार, आई थिंक हमें वही वाला आइडिया करना पड़ेगा जो सब करते हैं, जो कि टफ है, पर कोई ना हमें यही आइडिया करना पड़ेगा। चलो फिर से डालो, चलो लग गई आग। अरे भाई हो नहीं रहा है इग्नाइट यार, आग तो लग रही है पर इग्नाइट नहीं हो रहा है। देखो आग लग गई ना, अब तो इग्नाइट हो जाना चाहिए था वैसे, पर नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है इग्नाइट। हो जा भाई हो जा। अरे कैसे करे, अरे भाई आग लग गई, आग लग गई। चलो भाई मुझे आग की तो टेंशन नहीं है, बस इग्नाइट हो जा जल्दी से यार, इग्नाइट हो जा भाई। कब से ट्राई कर रहा हूँ इग्नाइट नहीं हो रहा है। चलो अब लास्ट बार ट्राई करता हूँ मैं, आई थिंक अब हो जाना चाहिए यार। चलो फिर से ट्राई करता हूँ, चलो लावा डाला और एक प्लैंक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यही वाला आइडिया करता हूँ, और तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। चलो भाई एक बार अरे चलो इसमें आग लग गई, अरे हो गया भाई इग्नाइट हो गया। चलो बढ़िया हो गया भाई इग्नाइट हो गया, चलो बढ़िया है भाई, अपने आप हो गया आई थिंक। वो जो ऊपर लगी ना आग इस प्लैंक के ऊपर, उससे हो गया इग्नाइट। चलो पहले तो एक काम करूँगा ना, यहाँ से तो बंद है, तो पहले मैं इस लावा को डाल देता हूँ अपने कोलस्टोन जनरेटर में, क्योंकि अभी हमारे पास लावा नहीं है, सिर्फ एक ही बकेट है। चलो भाई हो गया हमारा इग्नाइट, और चलो बन गया हमारा पोर्टल भी। तो अब मुझे जल्दी से नेदर फोर्ट्रेस भी ढूंढना होगा, ताकि मैं जल्दी से मुझे ब्लेज रॉड मिले और मैं आगे का काम शुरू करूं। तो भाई चलो जल्दी जल्दी तो चलते हैं भाई, पहुंच गया आई थिंक, पहुंच जा यार जल्दी। चलो लावा के भी स्पॉन ना, चलो भाई बढ़िया जगह स्पॉन हुए। चलो पर नेदर फोर्ट्रेस तो यहाँ से दिख नहीं रहा, आई थिंक दूर होगा। चलो कोई टेंशन नहीं है, हम ढूंढ लेंगे, नीचे तो लावा है, बाकी बढ़िया है यहाँ पे। चलो भाई तो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।